सो वैसे मैं अभी यहाँ से आई हुई थी एंड ये है इसका एक्सटीरियर एंड बाहर से देखने से एक्चुअली लगता ही नहीं है अंदर कोई इतना बड़ा इतना कोई फैंसी सा अंदर रेस्टोरेंट बना होगा। पता नहीं था कि यहाँ पे इतना इतना बड़ा है, 5 माले तक है। अरे भैया ये क्या है? ये प्लेटर है। क्या बात है भैया, देखो इनका प्लेटर एक्चुअली मैंने ना यही। और ये क्या है? चिकन शोले कबाब, चिकन रिस्मी टिक्का, चिकन दिल कुछ कबाब। वाओ, यहाँ से ओके ओके भाई, ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ा है भैया। देखो ये ओनली फॉर फैमिली, यहाँ पे आपको 10 तक खान मिल जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखो क्या ही बढ़िया। ये कितने लोगों के लिए है? एंड दिस इज मतलब माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता था कि ये इतना इतना बड़ा है। एंड देखो हर फ्लोर के ऊपर इन लोगों ने ना इस तरह से टॉयलेट्स वगैरह रखे हैं, वॉश बेसिन रखे हैं। टॉयलेट खोल के देखती हूँ कितनी साफ है। तो आई थिंक रेदर देन ऑर्डरिंग अ स्टार्टर, हम लोग एक पुलाव और एक बिरयानी ट्राई करने वाले हैं। तो या लेट्स ट्राई। आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ जू, जो कि भाईकल्ला के ऊपर मौजूद है। एंड जू जाने से पहले, बिकॉज ऑब्वियसली जू के अंदर चलना बहुत ज्यादा होता है, मैंने सोचा क्यों ना हम पहले कहीं लंच कर ले। एंड लंच के लिए हम आए हैं पर्शियन दरबार। यहाँ पे हमने मंगवाया है मटन पुलाव। बाय द वे पर्शियन दरबार अलग है एंड पर्शियन दरबार अलग है। ये है पर्शियन दरबार जो कि 1976 से यहाँ पे मौजूद है। सो चलिए यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। वैसे ना मैं माइक को एक्चुअली इसके अंदर मैग्नेट है, मैं लगा सकती हूँ, बट मैं लगाती नहीं हूँ बिकॉज देन मुझे थोड़ा सा और ऊँची आवाज़ में बात करनी पड़ेगी एंड आसपास के लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो या लेट्स ट्राई। थैंक यू। तो भाई अभी रायता आ चुका है, सो अब थोड़ा सा रायते के साथ ट्राई करके देखती हूँ। नाइस, अच्छा है। थैंक यू भाई, मुझे बहुत टाइम के बाद है ना एक्चुअली कांच वाली बॉटल मिली है। मतलब ये कांच वाली बोतल के अंदर पहले बचपन के अंदर पिया करते थे। जब कभी टाउन साइड आती हूँ ना, मुझे सबसे अच्छी बात यहाँ की यही लगती है कि मुझे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। बाकी खाना इनका बहुत बढ़िया है। और सुनिए ना, चिकन बिरयानी बोनलेस है क्या? विद बोन ही है, हाफ हो जाएगा, उतना ही आएगा। तो फुल बोलूँ? ठीक है, फुल कर दीजिए। वैसे तो पुलाव का क्वांटिटी काफ़ी अच्छा था, बट हम लोगों ने साथ में कोई और स्टार्टर वगैरह कुछ भी नहीं मंगवाया हुआ है। तो आई थिंक रेदर देन ऑर्डरिंग अ स्टार्टर, हम लोग एक पुलाव और एक बिरयानी ट्राई करने वाले हैं। एंड हम 3 लोगों के लिए एक पुलाव एक बिरयानी काफ़ी हो जाएगा। बट हाँ, एक ही करके ही ऑर्डर करें ताकि ठंडा ना हो। चलो बिरयानी आती फिर आपको आगे का बताती हूँ। सो भाई ये आ गई है चिकन दम बिरयानी। हाँ रख दीजिए। एक्चुअली इसकी बिरयानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड मुझे बहुत ही कम जगहों की बिरयानी अच्छी लगती है। फिलहाल तो मैं टाउन साइड के ऊपर हूँ, भाईकल्ला पे हूँ, बट अगर मैं वर्सोवा साइड के ऊपर अगर मैं कहीं जाऊँगी ना, सो जोगेश्वरी नाम की एक जगह है जहाँ पे जाफर भाई की बिरयानी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। किसी दिन अगर वहाँ पर जाना हुआ तो मैं आपको वहाँ की बिरयानी भी बताऊँगी, बट ये बढ़िया है। चलो अब फाइनली यहाँ पे खाना खत्म करते हैं एंड मैं आपको लेके चलती हूँ जिसके लिए मैं यहाँ स्पेशली आई हूँ। रुको जरा, सबर करो। थैंक यू। यहाँ पे आपको हाथ धुलाने के लिए इस तरह से लाया जाता है, विच इज क्वाइट फैंसी। भाई तो मैं आपको ये रेस्टोरेंट देखना है, मुझे इनका इंटीरियर बहुत ज्यादा बढ़िया लगा। आई मीन बाहर से समझ में ही नहीं आता कि ऐसा कुछ है, बट एक्चुअली बहुत ही खूबसूरती से इन लोगों ने बनाया है, मैं आपको बताती हूँ। सो वैसे मैं अभी यहाँ से आई हुई थी एंड ये है इसका एक्सटीरियर एंड बाहर से देखने से एक्चुअली लगता ही नहीं है अंदर कोई इतना बड़ा इतना कोई फैंसी सा अंदर रेस्टोरेंट बना होगा। सर बाय द वे यहाँ पार्किंग नहीं है, सो मुझे कहीं अंदर जाके मुझे कहीं पार्किंग मिली है। ये दोनों सेम है। सो भाई ये यहाँ पे भी इनके पास बैठने के लिए एक आउटलेट है, तो ये अलग क्यों है? 5 माले तक है, अभी ओपनिंग हुआ है ना ये? हाँ? नवी ओपनिंग हुआ है, ये जूनी है, ये 5 माले तक है। क्या बात है जी, पहले पार्किंग वाले 5 है, पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे इतना इतना बड़ा है, 5 माले तक है एंड ये पहले से था। देखो तो दिस इज लाइक द ओल्डेस्ट वन, तो 1976 वो ये वाला आउटलेट है, वो बाजू वाला तो लास्ट 2 इयर्स से जो। अच्छा ओके,
फिल्म स्टार इज दिलीप कुमार साहब। अच्छा यस माशाल्लाह क्या बात है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ वैसे। यहाँ पे सबसे अच्छा क्या लगा था दिलीप साहब को? मुस्तफा हम लोग का केप्सा ही है जो बेसिकली केप्सा बिरयानी आता है। अच्छा ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। रान है, रान केप्सा या रान बिरयानी उसके लिए। वो कितने लोगों के लिए होती है आपकी रान बिरयानी? चार पांच आदमी के लिए। चार पांच आदमी के लिए होती है। सही सही। तो भाई यहाँ पे अगर आप बहुत सारे दोस्त लोग या कोई बहुत बड़ी फैमिली के मिल के आओ ना तो बिल्कुल आपको यहाँ की रान बिरयानी एक बार ट्राई करनी चाहिए। मैं खुद दोबारा से आने वाली हूँ। वैसे ये पाँच माले का है मैंने सुना है, ऊपर देख सकती हूँ। तो भाई चलो आपको मैं ऊपर जाके दिखाती हूँ। अभी ये कुछ इस तरह से ऊपर बना हुआ है। और यहाँ पे भी है क्या? यहाँ पे ना एक्चुअली बहुत सारे लोग खाना वगैरह अंदर ही बैठे खा रहे हैं, ऊपर भी है। सो मैं अभी किसको खाते हुए डिस्टर्ब। अरे भैया ये क्या है? ये प्लेटर है। क्या बात है भाई, ये देखो इनका प्लेटर। एक्चुअली मैंने ना यही, ये क्या है? शोले कबाब, चिकन इसमें टिक्का, चिकन दिलकुश कबाब। वाओ, ओके थैंक यू। सो भाई मैं ना एक्चुअली इनका प्लेटर ही मंगवाने वाली थी बट हम इतना ज़्यादा हेवी खा नहीं पाएंगे फिलहाल। सॉरी, ये इनका सेकेंड फ्लोर है एंड यहाँ पे हेलो। ओह वाओ, यहाँ पे बैठने की बहुत सारी जगह है। ये देखो, सो अगर आपने दोस्तों या फैमिली के साथ में आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत ही बेहतरीन ऐसी जगह मिलने वाली है बैठने के लिए। वहाँ पे भी है? अच्छा, वो फैमिली के लिए है ऐसा कुछ है? ओके तो ये देखो। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल मैं देख नहीं सकूँगी ना? देख सकते हैं। अच्छा अच्छा, थैंक यू। हाँ हाँ, नहीं नहीं कोई बात नहीं। यहाँ से ओके ओके। भाई ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा बड़ा है ये वाला। बता सकते हो मुझे भाई? ये देखो, ये ओनली फॉर फैमिली। यहाँ पे आपको दस्तर खान मिल जाएगा। ओ भाई साहब, ये देखो क्या ही बढ़िया। ये कितने लोगों के लिए है? 10-12 लोग यहाँ पे ईजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे शूज़ वगैरह रखने के लिए भी जगह है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई, बढ़िया। यहाँ पे क्या है? जाओ यहाँ से भाई। मुझे लगता है ना इसके लिए मुझे अलग से पूरा डेडिकेटेड मुझे एक ब्लॉग बनाना पड़ेगा अब। ओह सो वैसे मेरे पीछे एक बिल्कुल सिमिलर सा टेबल है बट वहाँ पे गेस्ट बैठे हुए तो मैं उसे शूट नहीं करना चाहती हूँ। बट यहाँ पे आपको इस तरह से बहुत कुछ मिल जाएगा भाई। एंड दिस इज़ मतलब माइंड ब्लोइंग। मुझे नहीं पता था कि ये इतना बड़ा है ये। एंड देखो हर फ्लोर के ऊपर इन लोगों ने ना इस तरह से टॉयलेट्स वगैरह रखे हैं, वॉश बेसिन रखे हैं। टॉयलेट खोल के देखती हूँ कितनी साफ है भाई साहब, क्लीनिंगनेस का पूरा ध्यान। हेलो, इमेजिन मुझे सामने शीशे में से जवाब आ जाए हेलो का। इसके ऊपर भी है। जाओ क्या, चलो जाके देखते हैं भाई कितना कितना ऊपर बनाया इन लोगों ने। वाओ, एंड दिस प्लेस इज ह्यूज। हाय, सो अगेन इस फ्लोर के ऊपर आपको वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पे अंदर कोई फैमिली डाइन कर रही है जिस वजह से यहाँ सब शू रैक रखा हुआ है। सो अगेन आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब देम। सो मैं अंदर तो नहीं जाऊँगी बट आई थिंक पांचवा माला यहीं पे ख़त्म होता है। एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी जगह है ये ख़त्म होता है ना यहाँ पे। सही सही, ये एक है कि अंदर और भी कुछ है? ये है। अच्छा भाई, ओ ये सेम है क्या जो सामने है? वो ये बड़ा है। वो कितने लोग के लिए? 25 का है। 10 25 लोग के लिए है वो। थैंक यू सर। सो भाई ये था इनका फिफ्थ फ्लोर। एंड इमेजिन इन लोगों ने इतना इतना बड़ा बनाया हुआ है।
मैं नीचे जाके एक्चुअली पूछने वाली हूँ कि टोटल कितने लोगों को यहाँ पे अकोमोडेट किया जा सकता है। मैं पांच माले चढ़ते हुए मैंने सोचा नहीं था कि मुझे पांच माले नीचे भी तो उतरने पड़ेंगे। सो ये हम ग्राउंड फ्लोर पे आ गए। थैंक यू सर। सर वैसे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो उसमें कितने लोग आ सकते हैं टोटल? 250 लोग। 450। थैंक यू सर, थैंक यू। आपका नाम क्या है? गुलाम। सो भाई मतलब 450 लोग यहाँ पे आके अकोमोडेट हो सकते हैं एंड ये 5 फ्लोर्स का है एंड ये तो है ही, साथ साथ ऑब्वियसली बाजू में भी है। सो ये देखो, मैं एक्चुअली बाहर आई थी आपको इस जगह का इंटीरियर बताने के लिए। ये जो बाजू के अंदर है, जो पांच माले की बिल्डिंग मैंने आपको दिखाई उसके बिल्कुल बाजू के अंदर ये वाला खुला हुआ है, ये मैं आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से डिज़ाइन किया हुआ है। ये देखिए आप, मैं वैसे बाइकला आई हुई थी आपको जू दिखाने के लिए, जो कि मैं आपको अगले ब्लॉग के अंदर बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।